हेलो, वेलकम टू देसी धूम रेडियो जर्मनी। आपकी मुलाकात आज हम करवाने जा रहे हैं अली साहब से। अली भाई जो हैं वो बहुत मेहनती और बहुत ही जो है वो पॉपुलर हैं इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके स्पेशल काम की वजह से। और काम आप पीछे जो है फोकस में देख रहे होंगे, जो ख़ास काम ये करते हैं अली भाई और इनकी टीम, इसी वजह से ये फेमस है। तो अली भाई से इसके बारे में आज हम मज़ीद जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि थोड़ा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और इस काम के बारे में बताएं कि ये काम क्यों स्टार्ट किया, कब किया और कैसे किया। तो वेलकम टू द स्टूडियो अली भाई। मेरा नाम है अली सलमान अच्छा और मैं फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ फूलपत्ती प्रोजेक्ट का। और मेरे पीछे जो मुमताज़ साहब बैठे हैं, सीनियर मेम्बर हैं फूलपत्ती के और हेड ट्रक आर्टिस्ट हैं, उसके बराबर में अमीन साहब बैठे हैं, ये भी बेहतरीन ट्रक आर्टिस्ट हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअल टीम है जो तीन इस टाइम जर्मनी में, इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में। एक्सेलेंट। तो थोड़ा सा हमें बताएं अली भाई के ये काम कब आपने शुरू किया और क्यों शुरू किया? तो सर इसको टाइम हो गया, हमें भी याद नहीं है, टिकट से ऊपर बल्कि का अरसा है। और क्यों शुरू किया जी, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का एक वाहिद आर्ट है, इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है। बाकी बहुत सारे आर्ट है पाकिस्तान के अंदर जो हमने कहीं ना कहीं से सीखे हैं, इंस्पिरेशन है, बट ये आपका वाहिद पाकिस्तान की ज़मीन का आर्ट है। तो जब मैंने अपने स्टडीज़ की और मेरी मुमताज़ भाई से और दूसरे आर्टिस्टों से मुलाकात होती रहती थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसी चीज़ पे काम करें जो यूनिक हो। ये पीछे तो खैर जो बैठे हैं मेरे, जो पीछे काम कर रहे हैं तो बेहतरीन आर्टिस्ट थे ही थे। तो फिर हमने एक वेंचर क्रिएट किया, उसका नाम रखा फूलपत्ती। और फूलपत्ती ने जो है पूरी दुनिया के अंदर ट्रक आर्ट की तरवीज के लिए और उसकी क्या कहते हैं उसको प्रमोट करने के लिए बहुत बेतहाशा काम किया। अलहमदिल्ला हम काफ़ी ममालिक में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान के रंगों को फैलाने के लिए कोशिश की। एक्सेलेंट। तो बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम ये पूछेंगे, ये बताएं कि ये काम आपने सीखा कहाँ? अरे देखें, इसी का कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट से देखें, किसी यूनिवर्सिटी सीखें। तो ये आपको सीखना ट्रक अड्डों पर ही पड़ता है, तो ये वहीं से सीखा जाता है, वहीं से ही सीखा जाएगा। मगर हमने ये किया कि हमने इसको बाकायदा इसके साथ बहुत सी यूनिवर्सिटी के साथ या कॉलेज के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ कोलाब्रेशन के साथ इसको सिखाना शुरू किया बाकायदा। तो हम बहुत सी यूनिवर्सिटी में जा भी चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जैसे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी और दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। इसके अलावा मुख्तलिफ सोफिया के अंदर हमने वर्कशॉप दी, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वर्कशॉप दी, क्योंकि मैं समझता था कि जो लोग नहीं सीख सकते वैसे ट्रक आर्ट पे आके या अड्डों पे आके, तो उनको हम दूसरे आइडिया से सिखाएं। तो हमने इसको बाकायदा इसका कोर्स कैराक्रम डिज़ाइन किया है कि 6 महीने में, 3 महीने, 2 महीने में इसको कैसे सिखाया जा सकता है, बेसिक कैसे कराई जाती है। तो हमने मुख्तलिफ इदारों के साथ जैसे गोथे है और जैसे फ्रेंच है, उनके साथ ही हमने कुछ ना कुछ वर्कशॉप प्लान किए हैं। उसके अलावा कराची में और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर हमने इंडिविजुअल सतह पर और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हमने इसकी वर्कशॉप दी। एक्सीलेंट। मेरा सवाल तो आपसे यही था कि आपने कहाँ सीखा, और अगला यही सवाल था कि क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि उनको ये सिखाया जा सके? तो एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जर्मनी में इस वक्त आप मौजूद हैं, बर्लिन सिटी में, कैपिटल है जर्मनी का, यहाँ पर आपने अभी तक कोई वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज़ की, और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का यहाँ पे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वर्कशॉप तो हमने नहीं की, बट हम ये है कि पाकिस्तान एम्बेसी के साथ हमने पिछली दफ़ा भी प्रोजेक्ट किया था और इस दफ़ा भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप याद होगा, हमने दीवारें बर्लिन पे जब हमने काम किया था तो आप उससे आए थे 7 साल पहले। तो बर्लिन हमारा इतफाक से ज़्यादा आना नहीं होता, हम जर्मनी तो ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं, मगर बर्लिन वाले शायद इतने वेलकमिंग नहीं हमारे लिए। तो ये हमारा सेकेंड ट्रिप है आफ्टर 7 ईयर्स बर्लिन में। तो इस दफ़ा हम जो एक वर्कशॉप, हम एक एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं जो आई थिंक बर्लिन की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होगी और ट्रक आर्ट की। तो हमने काफ़ी इसमें आर्ट पीस हमने डिज़ाइन किए हैं, साइकिल्स को डिज़ाइन किया है, कुछ होम आइटम्स को डिज़ाइन किया है, शूजेस डिज़ाइन किए, तो हम डिस्प्ले करेंगे फॉर द जर्मन ऑडियंस। तो आई होप कि उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। एक्सेलेंट। कब आप प्लान कर रहे हैं ऐसी ये एग्जीबिशन प्लान करने का? काम कर रहे हैं पूरा 1 हफ्ते से हम बर्लिन में, और हम मुख्तलिफ उसकी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह 23 मई को हमारा ये एग्जीबिशन होगी पाकिस्तान हाउस के अंदर। तो एम्बेसडर साहब ने उसमें खसूसी जो है कहा है कि हमारे घर में होनी चाहिए, और काफ़ी डिप्लोमेट सर्कल और यहाँ का जो फॉरन ऑफिस है, यहाँ का जो मीडिया है, उसको उन्होंने इन्वाइट किया है। तो आई एम श्योर कि उसमें उन सबको बड़ा पसंद आएगा हमारा काम। एक्सेलेंट। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज़ वेल। आई होप कि आप डेट्स जो है वो एग्जैक्ट डेट और टाइम जो है शेयर करेंगे और इसमें पब्लिक जो है इनवाइटेड होगी और पब्लिक इसमें आ सकेगी। पब्लिक का मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने किस तरह ऑफिशियल इनवाइट किया, बट एग्जीबिशन में मुझे पता है कि 23 मई को है। अब वो इन्विटेशन भी हमारे हाथ में नहीं कि उन्होंने किस तरीके से प्लान आउट किया। एक्जैक्टली। सो ऑल द प्लानिंग गोज थ्रू द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। जो है पूरा प्रोजेक्ट जो उन्होंने ही डिज़ाइन किया है, और आई होप कि मेरे ख्याल से जो ऑडियंस जो भी आ रहा है, विजिटर आ रहा है, उसको वो हम इंस्पायर कर सकें, इंप्रेस कर सकें। कलर्स ऑफ पाकिस्तान जो हमने अपने साथ से लिए, देखें ये सिर्फ ब्रशेज आए हैं हम लेके यहाँ पे, और सारी की सारी चीज़ें जो है कलर्स वलर्स जो है हमने यहीं से लिए हैं सारे। ये देखें, ये सारे कलर्स जो हैं हमने यहीं से खरीदे, जर्मन कलर्स हैं ये और ये पाकिस्तानी ब्रशेज हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी आर्ट आपके सामने,
बन रहा है और हमें खुशी होती है कि हम पाकिस्तान के कलर्स को सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और जर्मनी में हम समझते हैं हम सबकी राय टीम की ये सेकंड होम है हमारा क्योंकि हम जितना जर्मनी आते हैं और इतनी इससे ज़्यादा हम किसी और मुल्क में इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं किया जितना हम जर्मन आते हैं। एक्सीलेंट, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपके पास जो है जर्मन कलर्स मौजूद हैं और आप जो है ब्रश अपने पाकिस्तान के लेके आए। आई बिलीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप जो है वो भूल के कहना कि वो आपका हुनर है जो आप साथ लिए फिरते हैं और जहाँ जाते हैं उस हुनर को वहाँ पर मनवाते हैं और वो स्किल जो है आपके लोगों के दिलों को भाते हैं। इसके साथ ही आज भी आप एक पेंटिंग कर रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये किस टाइप का आर्ट बनाने जा रहे हैं, क्या इन डिफरेंट आर्ट्स का डिफरेंट नाम होता है, डिफरेंट शेप होती है? नहीं नहीं बिल्कुल कोई नाम नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, ये पाकिस्तान का आर्ट है और ये पाकिस्तान का बाहर आर्ट है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान से लेके केपीके से लेके और आपका गवादर से लेके सिंध से लेके ये ट्रक मूव करता है तो ये पाकिस्तान का क्या कहते हैं शनाख्त है। सेंटर में जो है हम ट्रक बना रहे हैं जो पाकिस्तान की शनाख्त है ट्रक आर्ट की, तो ये ट्रक हम बना रहे हैं और क्योंकि ये हम जिस सिटी ये बर्लिन में बैठे हैं वो एक मल्टी कल्चरल सिटी है तो हम चाह रहे हैं कि जितनी भी ऑडियंस है वो उसको उसको अट्रैक्ट कर सके ताकि जो फॉर एग्जाम्पल इंडिया से है, जो बांग्लादेश से, जो श्रीलंका से है, जो नेपाल से है, वो अपनी अपने लैंडमार्क्स को देख सके। तो मुमताज साहब ने बीच में जो है वो ट्रक बनाया है और ऊपर हम लोगो बनाएंगे, साइड में इधर ये ताजमहल बनाया है और उधर क्या कहते हैं मीनार पाकिस्तान है, इधर हम श्रीलंका का एक नेशनल लैंडमार्क बनाएंगे और उस वाले सर्कल के हम नेपाल का बनाएंगे। तो आई एम श्योर कि ये पूरा का पूरा एक साउथ एशिया जो क्योंकि एक स्टोर की थीम भी है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट भी कर पाएंगे और इसको हम यहाँ के सारे लोग कम्युनिटी से उसको रिलेट कर सकेंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट आपसे करवाना चाहे तो उसका क्या तरीका कार है, कैसे आप तक रसाई हासिल कर सकता है और कैसे वो आपके साथ कोई टाइम कमिटमेंट जो है टाइम फ्रेम जो है वो बना सकता है? जैसे हमने अपने सारे सोशल मीडिया पेजेस पे जो कुलपति का ऑफिशियल पेज है ट्विटर इंस्टाग्राम में हमने लगाया हुआ था कि हम आए हैं, अपने जर्मन नंबर भी हमने शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप डिटेल भी शेयर की है, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकता है, जर्मन नंबर के थ्रू भी कर सकता है, वो हमें इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स भी कर सकता है और ट्विटर पे और फेसबुक पे। तो हम अपनी अवेलेबिलिटी बता देते हैं कि हम आजकल हम बर्लिन में आए, जब हम बर्लिन पहुँचने से पहले हमने बता दिया था हम बर्लिन में, तो हम विलिंग टू डू ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, किसी ने अपना कैफे डिज़ाइन कराना हो, किसी ने रेस्टोरेंट डिज़ाइन कराना हो, किसी ने घर डिज़ाइन कराना हो या किसी ने कोई अपने इंडिविजुअल आइटम्स डिज़ाइन कराने हैं तो हम हाजिर हैं और हम बिल्कुल कर देंगे, हम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। एक्सेलेंट, तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स क्या बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या आपके ख्याल में ये रीचेबल है? मेरे ख्याल से अगर आप वैसे ही चीज़ें सिर्फ उसकी जहाँ तक मैं मेरी रिसर्च है यूरोप के अंदर जर्मनी के अंदर अगर आप उसकी ब्रांडिंग पे जाते हैं या प्रिंट आउट पे जाते हैं या बड़े बेनिफिट्स पे जाते हैं वो इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं तो हम आपको हैंड पेंट करके दे रहे हैं वो चीज़ों को और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और फिर उसमें अपनाइयत भी है कि आपके अपने कलर हैं और आप किसी को बता सकते हैं ये पाकिस्तानी आर्ट है, ये कल्चर हमारा कल्चर है, तो वो आप कह सकते हैं ये समझ लें आपके लिए अपनी पाकिस्तानी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं साथ साथ आप पाकिस्तानी कलर्स को भी स्प्रेड आउट कर रहे हैं और जो फिर वो हम निगोशिएट कर लेते हैं, हमें पता है कि यार थोड़ा सा चले पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो अपने लोग हैं उनसे हम निगोशिएबल तरीके से हम कर लेते ताकि हम भी कर लें और उनका भी काम हो जाए। तो ज़्यादा आपका फोकस अपने मास्टर पीस पे होता है क्योंकि आपका हर पीस एक मास्टर पीस है, मैंने देखा है और उसमें उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही मेहनत शामिल होती है जो किसी भी एक मास्टर पीस में ज़रूरत होती है। तो आपके आवर्स जो है आप कैलकुलेट नहीं करते हैं सच और आप जो है सपोर्ट करते हैं कि आप अपने प्रमोट करें अपने आर्ट वर्क को। हम जर्मन वाला सिलसिला नहीं है कि हम 9 to 5 कर रहे हैं, बट हमारा ये कि हम नई चीज़ बना के दें उसके अंदर उस क्लाइंट की या इंडिविजुअल की जो चीज़ें हैं या उसका फीडबैक है वो इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो एक अच्छी चीज़ बन गया है और उनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। इसमें वो वाला सीन नहीं है कि भाई हमने 8 घंटे ही काम करना, 3 घंटे ही काम करना, हमारा ये फिक्स प्राइस है या इतना, वो वेरी करता है कि एरिया कितना बड़ा है, कितनी बड़ी जगह है, कितनी छोटी जगह, उसके हिसाब से हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं कि कितना काम है। कितना एक वक्त ले लेते हैं एक आपका मास्टरपीस डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे आज का आप एक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने कितनी देर पहले स्टार्ट किया और तकरीबन आपको कितना वक्त दरकार होता है? ये मेरे ख्याल 7 by 7 feet क्योंकि मुझे मीटर का आइडिया नहीं, ये 5 feet by 7 feet का एक समझ लें वॉल कह रहे हैं या उसको एक पीस कैनवस कह रहे हैं या वुडन पैनल कह रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको देखिए इसमें सूखने का टाइम का मसला है। अब वेदर कैसा है क्योंकि जर्मन वेदर या यूरोपियन वेदर थोड़ा सा वैसे नहीं जैसे कराची का वेदर है, ये पाकिस्तान का वेदर है, उधर गर्मी है उधर सूख जाता है, इधर थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में, तो बस ये सिर्फ सूखने वाला सीन है। और इसमें क्या चीज़ें बन रही हैं, रेगुलर चीज़ें बन रही हैं कि इसमें कुछ लैंडमार्क्स बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ 5 घंटे ही बनती है, कुछ 6 घंटे ही बनती है, कोई 2 दिन भी ले लेती है। इट्स ऑल अबाउट कि रिदम क्या है उस चीज़ का, उसकी कितना उसमें काम हो रहा है, किस तरह वो सूख रही है, तो ये कोई आप टाइम फ्रेम नहीं कर सकते कि हमारी कोशिश होती है अच्छा बनाएं भले थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। एक्सेलेंट, आपका कुछ अपनी ऑडियंस के लिए, जर्मनी की ऑडियंस के लिए, बर्लिन वालों के लिए या बर्लिन से बाहर बसने वालों के लिए
कोई पैगाम हो, मैसेज हो जो आप देना चाहें, और अगर ये भी बताना चाहें कि आप कब तक यहाँ हैं और कब तक वो आपकी कोई भी कमर्शियल सर्विस अगर लेना चाहें आपसे, कब तक वो ले सकते हैं? जर्मनी में तो अभी फॉर हम बर्लिन में तो हम नेक्स्ट मंडे तक हैं, नेक्स्ट संडे तक हम ऐसे मिलेंगे, मंडे को हम वापसी रवानगी है हमारी, तो उसके बाद हम जो है होंगे तो जर्मनी में टिल 1 जून तक, फिर 1 जून से हम जो है वो पाकिस्तान तो आपके यूरोप से हम किसी और मुल्क जा रहे हैं, किसी और कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, फिर हम 20 या 22 को वापस आएंगे जर्मनी वापस, तो उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, हम फ्रैंकफर्ट उतरेंगे, वहाँ से हम डिजिटल साइड पर होंगे, बट वो डिपेंड करता है क्यूरीज के हिसाब से हम ट्रैवल करते हैं, अगर तो कहीं क्यूरी बर्लिन में तो हम बर्लिन वापस आ जाएंगे, या क्यूरी कहीं और फ्रैंकफर्ट साइड पर होगी तो वहाँ पर चले आएंगे, तो इस डिपेंड कि कहाँ, वैसे अक्सर होता है कि हम क्यूरीज को यानी अपने क्यूरीज के प्रोजेक्ट को जमा कर लेते हैं 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब दोबारा आएंगे तो वो कर लेंगे, तो हम टाइम देते हैं कि दोबारा आ रहे हैं तो उसके बाद हम आपके सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट बाद में भी हैं तो हम दोबारा आ जाएंगे, दोबारा कर लेंगे, इट्स अप टू यू, हम रेडी हैं करने के लिए। एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका डाटा लेना चाहेंगे कि आपको कहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, मैंने शुरू में भी ये क्वेश्चन आपसे किया था, तो आई बिलीव कि आप जो है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप की, और आपकी फूल पत्ती का पेज हम आप स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ, ताकि वो जो है आपको कॉन्टैक्ट कर सकें इसके थ्रू। तो थैंक यू वेरी मच। मुमताज़ भाई से हम आखिरी एक सवाल करते हैं। मुमताज़ भाई आप मसरूफ़ हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछेंगे, क्या आप वाकई इसको एंजॉय करते हैं, काम करते हुए आपको मज़ा आता है, या ये काम जो है वो अब आपके लिए एक रूटीन का काम बन गया और समटाइम आपको थका देने वाला काम लगता है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है और मैं फूल पत्ती डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूरोप में हम बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो पहले जब आए थे तो घूमने फिरने का बड़ा एक शौक था और पूरी दुनिया हमने घूमी हुई है, बहुत से तकरीबन 25 ममालिक में हम काम कर चुके हैं, तो अभी तो ये जो काम है इससे ही हम ज़्यादा हमें लगाव होता है कि हम काम जो करें वो अच्छे से अच्छा करें, तो घूमना फिरना तो फिर लगा ही रहता है, तो कोशिश करते हैं कि हम काम पे ज़्यादा तवज्जो दें और अच्छे से अच्छा काम करें। तो ये काम आपको थकाता है अभी या ये पहले दिन की तरह ही है जैसे आपने काम शुरू किया था? किस उम्र में आपने पहली पेंटिंग अपनी बनाई थी? जी मैं अपना तलक तो मेरा साहिवाल पंजाब से है और कराची में मैंने ये काम सीखा, तो जहाँ तक आपने पूछा कि थकते तो तब थे जब काम सीखते थे तो दिल में होता था कि छुट्टी हो जाए, तो आज जब हमने काम सीख लिया है और हम इस काम को समझ गए तो अब काम से नहीं थकते हम, मतलब जैसे जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो वैसे ही काम में जो हमारा जहन और ये लगाव और यही हमारा इससे मोहब्बत है, हम ये शौक़ से हमने काम सीखा और शौक़ से ही कर रहे हैं। एक्सेलेंट, बहुत शुक्रिया अमदाद भाई, विश यू ऑल द बेस्ट और वेलकम टू बर्लिन, आपको आई होप कि यहाँ पे आपका अच्छा खुशगवार वक्त गुजर रहा होगा। इसके साथ ही हम आपके आखिरी फूलपति के जो है उनसे भी बात करते हैं, वो मसरूफ़ है इस वक्त, उन्हें शायद हम डिस्टर्ब ना कर रहे हो, लेकिन उनसे जानते हैं कि वो इस काम को कैसे देखते हैं और इस टीम का क्या पार्ट है और कैसे वो जो है इस काम को इंजॉय करते हैं। आप भी इंजॉय करते हैं अपने काम को, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें, आप कहाँ से हैं, कैसे और कब से ये काम कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मेरा तलक पंजाब फैसलाबाद से है ना, तो मैं भी शुरू से उस्ताद के पास आया, ये मेरे उस्ताद हैं, तो हम तकरीबन 20 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो इन्हीं की तरह शौक लेके आया ना, तो एंजॉय कर रहे हैं काम। अभी भी शौक से काम करते हैं या आप ये काम समझ के काम करते हैं और थक जाते हैं? जब तक शौक से काम करेंगे तब तक होगा, वैसे तो होगा ही। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया मुमताज भाई और शुक्रिया आपका तशरीफ आपने का, अली भाई आपका शुक्रिया, और इसके साथ ही हम थोड़ी देर में आपको मास्टरपीस जब कंप्लीट होगा तो उसको अपने एंड ऑफ द जो है वीडियो आपको शेयर करेंगे इसका मास्टरपीस भी, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, जो लोग इनसे रब्ता करना चाहें वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये अभी भी जर्मनी में मौजूद रहेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट, तो डेफ़िनेटली आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ये खुशी से करते हैं, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, देयर फोकस इज़ जैसा कि अली भाई ने कहा कि उनका फोकस आर्ट वर्क पे ज़्यादा होता है और आर्ट वर्क की जो है उसको तशहीर के लिए, ना कि सिर्फ जो है उसको कमर्शियली जो है वो उसकी इनकम लेने के लिए या कमर्शियली उसको करने के लिए। आई बिलीव कि ये काम भी जो है वो जितना एक्सपेक्ट आप करते हैं उतना एक्सपेंसिव नहीं होता और ये आपको बहुत ही अच्छे दाम में कोई भी एक मास्टरपीस बना के दे।
तो इसके साथ इजाज़त दीजिए देसी धूम बर्लिन की टीम को। थैंक यू वेरी मच। देखते रहे, सुनते रहे धूम रेडियो जर्मनी।